नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज बात करेंगे आपकी कुंडली के कमजोर बुध ग्रह की। जी हां, आपकी कुंडली का यदि बुध ग्रह कमजोर है तो आप ना तो कोई व्यापार कर पाएंगे, ना ही कोई नौकरी में आपका मन लगेगा, किसी भी कार्य के अंदर आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपकी अपनी बहन से, बिटिया से, बुआ से आपका संबंध हो जाएगा खराब। तो ये कुंडली का कमजोर बुध कैसे बलवान कर सकते हैं और इस बुध को प्रसन्न करने का महा उपाय क्या है, इसी के साथ ही आपको जानकारी देंगे। यदि बुध आपकी कुंडली में कमजोर हो जाए तो कौन कौन सी गड़बड़ियां इससे हो जाती हैं, वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। हर दिन की भांति होगा सफलता का अचूक महा उपाय और रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करेगी। माताओं बहनों की सेहत के लिए भी विशेष एक उपाय लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम ग्लोम गंग गणपते नमः। इस मंत्र को आप नोट करिए, अद्भुत है यह मंत्र। ओम ग्लोम गंग गणपते नमः। यह मंत्र आज के दिन दोपहर में 12 बजे से पहले पहले 108 बार यदि जाप कर लिया जाए तो आपके हर कार्य की परेशानी खत्म हो जाएगी या फिर उस कार्य में आने वाली जो परेशानियां हैं उनका हल आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इस विलक्षण मंत्र को आज के दिन जरूर जपिएगा। जब भी आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना हो इस मंत्र को 5 बार 7 बार 11 बार आप जरूर दोहराइएगा, फायदा होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराता हूं आज के दैनिक पंचांग से। दिनांक 27 जुलाई 2022, दिन बुधवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है आज। नक्षत्र होगा पुनर्वसु, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। राहु काल, जिससे सभी लोग डरते हैं, इसका समय आप नोट करें, दोपहर 12 बजे से यह आरंभ होगा और 1:30 बजे तक यह रहने वाला है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आरंभ ना करिए, वरना ऐसा ना हो आपका कोई कार्य बिगड़ जाए। दिशाशूल भी बता देते हैं, उत्तर दिशा की ओर आज यात्रा ना करिएगा। विषय की ओर आते हैं और आपको बताता हूं कि ज्योतिष में बुध ग्रह का महत्व क्या है। कुंडली में यदि बुध ग्रह कमजोर हो जाए तो इसकी क्या जो है कमियां हो जाती हैं और इसको प्रसन्न करने का महा उपाय क्या है, लेकिन इसकी विशेषताएं भी आप जान लीजिए, वो भी आपके लिए बेहद जरूरी है। भाई क्या खासियत है इसकी, देखिए बुध ग्रहों में सबसे सुकुमार हैं, सुंदर ग्रह हैं, इसलिए इनको नवग्रह मंडली के अंदर, नवग्रहों के अंदर राजकुमार का स्थान प्राप्त है, ऐसा कहते हैं इनको। बुध ग्रह के पास पृथ्वी तत्व है, यह कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी हैं, यानी कि दोनों ही राशियों के स्वामी बुध ग्रह हैं। यदि आपकी राशि कन्या है, आपकी राशि यदि मिथुन है, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि कुंडली का बुध ग्रह कैसा है, किस अवस्था में है। बुध को बुद्धि का कारक कहा जाता है, एकाग्रता यानी आप कितने फोकस्ड हैं ये आप देख सकते हैं बुध से, यानी कितना आप व्यापार कर पाएंगे, आपकी वाणी कैसी होगी, आपकी स्किन कैसी होगी, आप कितने सौंदर्य रूप आपके अंदर है नहीं है, ये बुध बताता है। और विशेष तौर पे सुगंध का कारक भी जो है हम बुध को मानते हैं। एक बात और बता दूं, बुध को कान, नाक, गला और संचार से भी संबंध जो है इसका माना गया है, यानी आंख मान के चलिएगा, कान नाक और गले की कोई समस्या है बुध को चेक करिए, संचार से संबंधित आपको कोई समस्या आ रही है तो यानी आपकी कुंडली का बुध पीड़ित है। बुध से ही बुद्धि की प्रखरता तीव्रता देखी जाती है, आप कितने कुशाग्र हैं यह आपकी कुंडली का बुध बता देगा। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कैसा है, एकदम से आप कैसा जवाब देते हैं यह आपकी कुंडली का बुध बताएगा। आर्थिक तौर पर और गणित के मामलों में यदि सफलता चाहिए तो आपकी कुंडली का बुध एकदम से होना चाहिए बलवान और होना चाहिए शुभ ग्रहों से ग्रस्त। आप बिल्कुल ना घबराएं, ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे कि कैसे आपकी कुंडली का कमजोर बुध आपको सफलता दिलाएगा, आपको बनाएगा एकाग्र। बुध ग्रह यदि पीड़ित हो जाए तो मान के चलिएगा बहन का, बेटी का, बुआ का सुख नहीं मिल पाता है। ये तीनों ही जो है आपसे या तो नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, या फिर इनसे आपका संबंध हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है। अब ये संबंध खराब नहीं होगा,
क्योंकि ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे कैसे करना है बुध को प्रसन्न। बुध ग्रह के खराब होने पर व्यापार में लगाया हुआ पैसा फंस जाता है, क्योंकि बुद्धि तो काम नहीं करती ना। यदि बुद्धि काम कर रही होती, बुध ग्रह आपके फेवर में होता, तो आप जिस व्यापार में पैसा लगाने जा रहे हैं वहां पैसा फंसता नहीं, बल्कि दुगुना या चार गुना होकर निकल आता। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बुध ग्रह को प्रसन्न करने का महा उपाय कौन सा है वो आपको बताएंगे। इसी के साथ देंगे सफलता का अचूक महा उपाय। पहले जानते हैं मेष वृष मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, बड़ों का सम्मान करें, आर्थिक रूप से आज मजबूती आएगी, मेहमान आने का योग दिख रहा है, शुभ रंग होगा आज के लिए लाल। बात करते हैं वृषभ राशि की, आज काफी व्यस्तता रहेगी, बिजी रहेंगे आप, पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, धन का लाभ भी होगा, शुभ रंग है आज के लिए मरून। बात करते हैं मिथुन राशि की, दोपहर बाद दौड़भाग खत्म होगी, मित्रों से किसी तरीके से कोई झगड़ा ना करें, परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा, शुभ रंग है आज के लिए नीला। अब आपको बताते हैं कि कैसे भगवान गणेश की उपासना आपके रिश्तों में मजबूती लाएगी। बुध को प्रसन्न करना है तो कैसे भगवान गणेश की उपासना करें, ताकि आपकी बहन से, बिटिया से, बुआ से, या फिर आपके रिश्ते दिन प्रतिदिन बहुत खराब हो रहे हैं तो कैसे ये ठीक हो पाएंगे। देखिए, भगवान गणेश को बुद्धि और समझदारी का देवता माना गया है, आपको बुद्धि चाहिए, भगवान गणेश की शरण में आइए। आप समझदार होना चाहते हैं, विवेकशील होना चाहते हैं, तो भगवान गणेश की उपासना आपके लिए सर्वोपरि होगी। इनकी पूजा अर्चना से अत्यंत तीव्र बुद्धि और विद्या का महावरदान बहुत आसानी से मिल सकता है। धन कमाने में भी बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो कि भगवान गणेश की कृपा से आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। तो भाई, सीधी सीधी बात यह हो गई कि आपको यदि धन कमाना है, अपने कार्यों को सफल करना है, तो भगवान गणेश की पूजा अर्चना आपको जरूर करनी है। इसके अलावा रिश्तों और धन की यदि समस्या हो, बरकत को लेकर कोई बाधा आ रही हो, तो इनकी कृपा से वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। भगवान गणेश की विशेष पूजा के प्रयोग करने वाले जितने भी जो लोग होते हैं, उनके रिश्तों में खटास नहीं आती। शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष हो, बुधवार के दिन सुबह के समय 11 लड्डू या मोदक आप भगवान गणेश को अर्पित करें और गाय के घी का एक दिया उनके सामने जलाएं। हो सके तो ओम ग्लोम गणपते नमः, जो आज हमने आपको दिव्य महामंत्र के रूप में दिया था, उसी मंत्र का जाप कर लीजिएगा और एक मोदक प्रसाद के रूप में आप घर लाइए, बाकी मोदक छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को आप दे दीजिए। ऐसा करने से आपके रिश्ते एकदम से मधुर होंगे और संबंध हो जाएंगे एकदम से प्रगाढ़। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष गुरु के बताए हुए उपाय आप जरूर करिए। तो आज किचन की एक छोटी सी सामग्री आपके रुके हुए कार्यों को जो है पूरा कराएगी, कौन सी है वो सामग्री आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, सेहत में सुधार होने का योग है, पढ़ाई में किसी तरीके से कोई लापरवाही ना करें, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा, शुभ रंग है आज के लिए मरून। बात करते हैं सिंह राशि की, अपने ऑफिस समय से पहुंचिए, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, शेयर मार्केट में आप कोई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, शुभ रंग होगा आज के लिए कत्थई। कन्या राशि, नौकरी में सफलता मिलेगी, नए मकान में आज प्रवेश करेंगे, मेहनत का फल जो है हर तरीके से आपको मिलने वाला है, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। अब आपको बता दें, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी कुंडली के कमजोर बुध के बारे में। अब इसी कमजोर बुध को मजबूत करने का उपाय क्या है, भाई हमने कमजोरी तो आपको बता दी, उसकी खासियत बुध ग्रह की बता दी, लेकिन अब उसको मजबूत कैसे करना है, बलवान कैसे करें, पावरफुल कैसे करें, ये समझते हैं। देखिए, बुध ग्रह को बलवान करने के लिए मां दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा अर्चना आप जरूर करिए, दुर्गा कवच का पाठ करिए, गणेश जी के वैदिक मंत्र का जाप करिए, गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, आपकी कुंडली का बुध हर तरीके से आपको शुभ परिणाम जरूर देगा। ज्यादा से ज्यादा हरे रंग की वस्तुओं का दान कर दीजिएगा, वो भी जरूरतमंद लोगों को, बहुत फायदा होगा। अपनी बहन को,
बिटिया को और बुआ को सम्मान दीजिए। हो सके तो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के बुधवार के दिन उनसे मिलिए, बैठिए उनके साथ, बात करिए और उन्हें कुछ मिठाई उपहार स्वरूप जरूर दें। ऐसा करने से भी कुंडली का बुध अच्छा होगा। अपने घर की उत्तर दिशा में कांच के बर्तन में जल भरकर जरूर रखिए। जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में खाद्य सामग्री और कुछ धन देकर, कुछ रुपए देकर, पैसे देकर उनकी मदद जरूर करें। ऐसा करने से भी कुंडली का बुध आपको शुभता जरूर देगा। एक विशेष बात, यदि बुध ग्रह बहुत ही ज्यादा जर्जर अवस्था में हो, बहुत कमजोर हो गया हो, क्षीण हो गया हो, क्या करें? किन्नरों को भी दवा का, वस्त्र का, भोजन का दान करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसा करने से भी कुंडली का क्षीण, जो बहुत ही कमजोर अवस्था में बुध हो, वो भी आपको बुरा परिणाम नहीं देगा, आपको शुभता की ओर जरूर ले जाएगा। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, परिवार में कलह का योग है, किसी से मित्रता ना करें, मित्र को मनाने का प्रयास करें। शुभ रंग है आज के लिए ग्रे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा, कहीं बाहर घूमने का योग दिखाई दे रहा है, मनोरंजन पर आज धन खर्च अवश्य होगा। शुभ रंग है आपके लिए सफेद। बात करते हैं धनु राशि की। दिन आलस्य से भरा रहेगा, संतान प्राप्ति का योग दिख रहा है, धन किसी को उधार बिल्कुल ना दें। शुभ रंग है आज के लिए आसमानी। अब आपको बताते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में कमजोर बुध को बलवान करने के विषय पर। भाई कैसे कमजोर, क्यों ये बलवान नहीं हो पा रहा, वो हमने कारण, लक्षण और आपको उपाय बताने का प्रयास किया। अब आपको मैं बता दूं कि भगवान गणेश को प्रसन्न करने का चमत्कारिक महामंत्र, जिससे आपका हर कार्य सफल हो जाएगा, कुंडली का बुध हो जाएगा मजबूत, साथ ही साथ देवी की कृपा भी आपको मिलेगी। तो क्या करना है उपाय, वो समझते हैं। देखिए, अपने घर की पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में हो सके तो लाल रंग के भगवान गणेश जी की स्थापना जरूर करें। प्रतिदिन सुबह के समय उन्हें लाल गुलाब के फूल या लाल गुड़हल के फूल और 27 की संख्या में यदि संभव हो तो हरी दूर्वा की पत्तियां उन्हें जरूर अर्पित करें। इसके बाद किसी आसन पर बैठ जाएं, वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का 108 बार लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से जाप जरूर करें। लगातार यानी आज ही के दिन से आरंभ करके इसे क्रम से 27 दिन तक जरूर करिए। जैसे ही 27 दिन पूरे होंगे आपको बहुत फायदा होगा। प्रतिदिन यदि संभव हो तो भगवान गणेश को गुलकंद का भोग लगाएं और खुद भी सेवन करें। जाप पूर्ण होने के बाद, कार्य सिद्धि होने के बाद जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसा करने से कुंडली का कमजोर बुध आपको शुभ परिणाम देगा और मंगल मूर्ति की हो जाएगी विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर। तो सफलता का अचूक महा उपाय ज्योतिष गुरु से लिए बिना कहीं ना जाएं। पहले जानते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, जरूरी काम बिगड़ सकता है, जीवन साथी की सलाह जरूर लें, अपनों का साथ मिलेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। बात करते हैं कुंभ राशि की। संपत्ति के मामले आज बिगड़ सकते हैं, अपना भेद किसी को ना दीजिएगा। नौकरी में परिवर्तन का योग है, शुभ रंग है आपके लिए हरा। अंतिम राशि मीन राशि, काम का दबाव बना रहेगा, आज खर्चे बढ़ सकते हैं, अपने रिश्तों में किसी तरीके से कोई खटास या दरार बिल्कुल ना आने दें। शुभ रंग होगा आज के लिए पीला। तो मित्रों, अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। देखिए, यदि आप चाहते हैं, आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और आपका कार्य हो जाए सफल, तो बिल्कुल सफल हो सकता है। यदि आप अपने घर से निकलते समय अपना राइट पैर यानी कि दायां पैर सबसे पहले घर से बाहर निकालें तो आपको सफलता मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को हम सेहत में बताने वाले हैं, यदि वो सरदर्द की समस्या से परेशान हैं, क्या करें भाई घर पर रह के उपाय। शुद्ध चंदन में थोड़ा सा केसर मिलाएं और अपने माथे पर थोड़ा सा लेप करें, आधे घंटे के लिए आप करके देखिएगा, बहुत फायदा होगा।
बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान यानी कि उनके रेस्पेक्ट की, जिसकी वो हमेशा से हकदार हैं। अपने घर के ईशान कोण में एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख दीजिए। समय समय पर इस पानी को आप परिवर्तन कर दीजिएगा, बदलाव कर दीजिएगा, बदल दीजिएगा। ऐसा करने से आप स्वस्थ भी रहेंगी, कुंडली का बृहस्पति अच्छा रहेगा और हर जगह आप सम्मानित होती रहेंगी। मैं हो चला है रसोई घर के उस अचूक महा उपाय का, जिसको अपनाने के बाद आपका रुका हुआ कार्य सफल हो सकता है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रसोई घर से छोटी हरी सौंफ। कैसे करनी है प्रयोग? भाई, थोड़ी सी शुद्ध सौंफ किसी लाल चौकोर रुमाल में बांधकर आप अपने सिराने रख लीजिए। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, डर लगना बंद हो जाएगा, अकारण आपकी नींद जो खराब होती थी वो ठीक हो जाएगी। तो इस उपाय को करने से आपको फायदा जरूर होगा। तो आज हम चर्चा कर रहे थे आपसे कि कुंडली का कमजोर बुध कैसे बलवान हो सकता है, उसको प्रसन्न करने का महा उपाय क्या है, और इसी के साथ ही भगवान गणेश की यदि प्रसन्नता मिल जाए तो मान के चलिएगा आपका व्यापार, नौकरी और आपके संबंधों में एकदम से मधुरता आ जाती है। तो फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे।